हरे कृष्णा। तो हम जा रहे हैं मायापुर। हम अभी ट्रेन में हैं, ट्रेन निकला नहीं है, लेकिन हमारा दिल बाहर आ गया है कि हम जा रहे हैं मायापुर। और इतनी सारी लीलाएं सुनी महाप्रभु की और उनके पार्षदों की कि अब रहा नहीं जा रहा है वो सब लीला स्थली देखने के लिए। तो वो सब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, मायापुर जा रहा है। और मैं काफी एक्साइटेड था पहले से जाने के लिए, पर अब जैसे जैसे पास आ रहे जा रहे नजदीक आ रहे मायापुर के, तो वैसे वैसे और भी उत्साह बढ़ रहा है। हरे कृष्ण। मैं और रामानंद प्रभु, रामचंद्र प्रभु और भी मतलब साथ साथ डिवोटीज के साथ मायापुर जा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मायापुर जाना। तो बचपन से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ सुना हूँ, पढ़ा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा उनकी जन्मस्थली मतलब घूम कर देखना, और वो जो एक्सपीरियंस होगा डिवोटीज के साथ। तो मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। हरे कृष्णा। मैं आज पहली बार मायापुर जा रहा हूँ भक्त लोगों के साथ, इसमें तरफ से बहुत मन था पहले जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहा था। बस श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्णा। तो हम सभी लोग मायापुर जाने की बेसब्री से तैयारी में हैं, और अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो कुछ ही क्षणों में हम लोग अभी हावड़ा पहुंचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ब्रेकफास्ट की आइटम, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल रोटी है, और उसके और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केक है। तो बस कुछ ही क्षणों में हम लोग इसको पाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं हावड़ा, मिलते हैं हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं? धाम। अलग अलग बहुत सारे धाम हैं, जैसे वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम। धाम वो होता है जहाँ पर भगवान लीला करते हैं, है ना, अपनी जो पास्ट टाइम्स भगवान है वहाँ पूजा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मायापुर धाम किसकी लीला स्थली है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम अभी किसकी लीला धाम में जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ हु डिसेंडेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन द मूड एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी। ठीक है, जिनका जो मूड है, जो भाव है, वो किस भाव में है? श्रीमती राधा रानी का भाव।
फाइनली हम सब लोग अभी मायापुर धाम में पधार चुके हैं। हमारी ये पिछले सुबह से 6 बजे से हम लोग बैठे थे और हमारी करीबन 10 से 11 घंटे की जर्नी अभी फाइनली सफल होने जा रही है। तो हम चैतन्य महाप्रभु के धरातल पर पधार चुके हैं और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत भीड़ सब्जी से इंतजार में है। जय मायापुर धाम की जय। নিতাই ঘরে পার করুণা কে দিত সকল দেশে কে দিত সকল দেশে কে দিত সকল দেশে যদি প্রভু পান হইত তবে কি হইত এ জীবন বহিতে কিসে यदि प्रभु पान होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिते किसे हरे कृष्णा। तो अभी हम जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की पुष्प समाधि के पास है। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि किसके स्पिरिचुअल मास्टर हैं गुरु परंपरा में हमारे गौर कृष्णदासवाजी महाराज के स्पिरिचुअल मास्टर हैं ना। तो अभी हम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस पे हैं। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आज से 525 साल पहले साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण हिमसेल्फ है वहाँ पर आए थे। और यही वो ट्री है, 500 साल पुराना नीम का ट्री है। तो इसी के नीचे भगवान जो है यहाँ पर अपीयर हुए थे, इसलिए नीम का ट्री था, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, निमाई। हरे कृष्णा, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की हरि बोल। तो अभी हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, यह है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कृपा जी का समाधि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कृपा जब अपना दिव्य शरीर जब छोड़े थे तो उनको समाधि यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर उनका ओरिजिनल दिव्य शरीर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Hare Krishna
This place is sitting here is called Rajapur Jagannath Temple. The Rajapur non-difference of Jagannath Puri. Rajapur is not difference of Vrindavan. This place a four dham is here. One is Jagannath Puri, one is Vrindavan Dham, one is Navadvip Dham, and this is called Simhantadi. अभी हम सब हैं मायापुर की स्कॉन मायापुर गौशाला के पास। श्रील प्रभुपाद का मूड था कि हर स्कॉन सेंटर में, हर स्कॉन मंदिर में गौशाला होना चाहिए। भगवान जैसे गाय को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर आपने कितना बड़ा भी अपराध किया हो, लेकिन अगर आप गाय को साथ में लेके जाएंगे तो भगवान गाय को देख के तुरंत क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।